नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 Live और N20 Live की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 13 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। मौजूद है दरौंदा प्रखंड के रुकुंदीपुर पंचायत में और यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, पीछे इनका बैनर है और इनका चुनाव चिन्ह है बरत छाप, जो क्रमांक संख्या 7 पे मौजूद है। तो आइए राजेश जी से जानते हैं कौन सा मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है राजेश जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके माध्यम से मैं पूरी अपनी रुकुंदीपुर पंचायत के जनतागण को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमें अपने जनता से, रुकुंदीपुर की जनता से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो क्या लगा राजेश जी, जैसे बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में दिखाई दी है, उसका असर आपके पंचायत पर पड़ेगा? देखिए, बदलाव हमारे समय का बदलाव जो है हमारे समाज के लिए तरक्की का एक रास्ता देता है। बदलाव आवश्यक है, बदलाव होना चाहिए। तो जी, बदलाव होगा लेकिन जनता के पास ऑप्शन बच जाते हैं 11-12 प्रत्याशी हैं शायद आप लोग जी, ना तो 11 ऑप्शन बचता है, उन 11 ऑप्शन में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन 12 प्रत्याशी में जनता को जो योग्य प्रत्याशी दिखाई पड़े, एकदम अपने आत्मा की आवाज़ सुने, निष्पक्ष बटन दबावे, निष्पक्ष रूप से एकदम चुनाव चिन्ह का जो भी बटन है उनको दबावे। तो आपका मुद्दा क्या है, क्योंकि जहां भी देखा गया है चुनाव हुए हैं, बदलाव हुए हैं जी जी, वहां के जनता विकास को देखते हुए वोट की है। जिस पंचायत में विकास हुआ है जनता वहां मुखिया को जिताई है और जहां नहीं हुआ वहां से बिना शोक संकोच के हटा चुकी है। यही कारण है 80-90% पंचायतों में बदलाव हो गए हैं। तो क्या लग रहा है, आपके भी पंचायत की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी? जी बिल्कुल, हमारे रुकुंदीपुर पंचायत की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, क्योंकि दुख की बात है कि 20 वर्षों से पंचायती राज का गठन हुए, 20 साल हो गया है, फिर भी हमारे समाज के गरीब तबके के लोगों को आज भी राशन, पेंशन, शौचालय, इंदिरा आवास, आयुष्मान कार्ड जैसे सरकारी सुविधाओं से का लाभ जो है आज भी प्राप्त नहीं हुआ। ये दुख की बात है। हमारे समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब हम गरीब वर्गों के, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका मैं ध्यान करूं। उनके लिए मैंने पहले भी समाज में कहा है और आज भी मैं कहता हूं कि किसी भी समाज का विकास करना है तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा पर हमें बल देना पड़ेगा। शिक्षा के लिए मैंने 5 तरह का पैटर्न तैयार किया है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा एक बेस मजबूत होता है, वही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रदान करता है। इसके साथ साथ मैंने कहा कि नहीं, समाज का विकास करना है तो खेल का भी ध्यान करना पड़ेगा। मैं 5 खेलों का पंचायती स्तर क्लब दे रहा हूं और उन खेलों के माध्यम से जो हमारे समाज में प्रतिभावान बच्चे हैं उनको मैं निखारूंगा, उनको मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का मैं कार्य करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता में है। अभी हमारे समाज में गंदगी भरा पड़ा है, जहाँ गंदगी है वहाँ हम अस्वस्थ हैं। नहीं, सफाई पर, स्वच्छता पर हमारा ध्यान होगा। हमारी प्राथमिकता में स्वच्छता भी शामिल है। स्वच्छ समाज होगा तो हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। ये चीज़ है कि राजेश जी के जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ की जनता वास्तविक मुद्दे पर वोट की है जी, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय, गली नली, इन सब चीजों को देख कर वोट की है। तो क्या आपके पंचायत की जनता इन तमाम वास्तविक मुद्दों को देख कर वोट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि पिछले 5 वर्षों से कुछ हुआ ही नहीं है, ना नल जल सही से संचालन हो रहा है, स्वच्छता का निर्माण नहीं हुआ है, फिर भी दिखाया जा रहा है कि स्वच्छता हो गया। अभी भी बहुत सारे, मैंने पहले भी कहा कि गरीब तबके वर्ग के लोग जो भी हैं, जिनको राशन की जरूरत है, राशन उनको अभी आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, जिनको पेंशन की जरूरत है, पेंशन उनका नहीं हो पाया है, जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए तो इंदिरा आवास में भी 30,000-40,000 लिया जा रहा है। ये क्या है, गरीब वर्ग के लोग सरकार उसको दे रही है कि भाई लो अपना आवास निर्माण कराओ, आप उसमें से 40,000 ले लेते हैं। तो देखिए, ये निःशुल्क सेवा होनी चाहिए घर घर। ये मैं सभी तरह की जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जनता तक मैं सुलभता से, सरलता से मैं पहुंचाऊंगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को, रुकुंदपुर पंचायत की जनता से क्या अपील करते हैं बरत छाप को लेकर? मैं सिर्फ एक ही अपील करूँगा कि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आप वोटिंग करते समय अपने आत्मा की आवाज़ जरूर सुने और
और पूछें क्या मैं सही व्यक्ति को वोट कर रहा हूं। आपकी एक वोट आप सरकारी जो भी सुख सुविधाएं हैं आप तक सुलभता से सरलता से पहुंचाएगी, समाज को तरक्की की ओर ले जाएगा। आपका एक ही वोट समाज को नर्क और गर्त की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए मैं आप सभी जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप योग्य प्रत्याशी को वोट करें जी। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है राजेश कुमार सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है बड़ा छाप, इनका साफ का नाम है कि विकास के मुद्दा को देखते हुए आप लोग वोट करें और जो वास्तविक मुद्दे हैं जो अभी तक तो पंचायत में नहीं हुए उसको देखकर वोट करें, और गरीब और दलितों की आवाज़ उठाने के लिए ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।